बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दोस्तों मैं हूं मोहम्मद जुबैर और आप देख रहे हैं जुबैर बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों हमारे पास ये बाइक आई है, इसमें तो एक तो मसला था, ये बाइक स्टार्ट बड़ी मुश्किल से होती थी और दूसरा दोस्तों इस बाइक का जो है मिसिंग का मसला था। तो दोस्तों हम जो है आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, इसका करंट बड़ा करेंगे लेकिन एक नए तरीके के साथ। आपको इंशाल्लाह मुकम्मल डिटेल बताऊंगा इस वीडियो में, एक एक चीज़ बताएंगे। तो काइंडली आपसे सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो पूरी देखनी, वीडियो को स्किप नहीं करना। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसका पहले का करंट बहुत ही ज़्यादा कम है। अब दोस्तों ये हम कैपेसिटर लगा रहे हैं, इस कैपेसिटर की मदद से दोस्तों हम जो है इसका करंट बड़ा करेंगे। इंशाल्लाह दोस्तों आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद वीडियो ये होगी, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा वीडियो देख के। वीडियो आपने फिर काइंडली रिक्वेस्ट है कि वीडियो आपने पूरी वॉच करनी। तो दोस्तों ये कड़े का वायर जो नीचे से आता है दोस्तों, इस दोनों वायरों को हमने अलग कर लेना है। इसमें दोस्तों माइनस प्लस का मसला नहीं होता, जो हम इसमें कैपेसिटर लगा रहे हैं आप चीज़ जहाँ मर्जी तारें लगा दें, इधर की उधर लगा दें या उधर की इधर लगा दें, कोई मसला ही नहीं। तो कड़े वाली वायर को हमने अलग करके एक वायर उस इंजन की तरफ से लगानी, एक दोस्तों हमने सीडीआई की तरफ से लगानी। तो अब आपको मैं चेक कराता हूँ बाइक का करंट। आपने पहले भी बाइक का करंट देखा और अभी आप फिर चेक करें कि कितना बड़ा हमारा करंट हो चुका है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं दोस्तों कि हमारा जो करंट बहुत बड़ा हो चुका है। तो दोस्तों ये इंशाल्लाह जो इतना बड़ा करंट होगा, हमारी बाइक चलेगी भी स्मूथ, स्टार्टिंग भी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी, पहली किक पे स्टार्ट होगी, और दूसरा दोस्तों फ्यूल एवरेज भी बहुत ज़बरदस्त होगी। ख़ास तौर जो हमारे भाई बाइक अल्टर करते हैं, क्योंकि जो चीज़ें हम अल्टर करते हैं यानी कि रिंग पिस्टन गरारी वगैरह के साथ, तो उस टाइम हमें करंट भी बड़ा करना पड़ता है। तो ये चीज़ जो है आपको बहुत हेल्पफुल मदद साबित करेगी आपके लिए ये कैपेसिटर। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि हम अभी दोबारा कैपेसिटर बाहर निकाल रहे हैं, आपको दोबारा वीडियो में रिज़ल्ट चेक कराएंगे कुछ इसका पहले का करंट। दोस्तों ये बाइक बहुत ही मुश्किल चल रही थी और बहुत ही यानी कि हमारा कस्टमर जो है बड़ा परेशान था। तो हमने जो है इसका यानी कि कैपेसिटर जो है हमें मार्केट से तकरीबन 100-150 रुपये का आम रूटीन में किसी भी मिल स्टोर से आपको मिल जाएगा, आपने मोटर वाला कैपेसिटर ले लेना। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसका कुछ पहले का करंट की इंतहाई नाकस करंट है। दोस्तों ये बाइक बहुत ज़्यादा मिसिंग भी कर रही थी। तो दोस्तों इस कैपेसिटर की मदद से दोबारा मैं आपको चेक करूँगा तारें लगाकर, यानी कि ये अब मैं दोबारा यानी कि कड़े वाली वायर के साथ इसको ज्वाइंट कर रहा हूँ, इंशाल्लाह मुकम्मल आपको बताएँगे दोबारा। तो दोबारा मैंने कैपेसिटर लगाया, आप देखना दोस्तों इस बाइक का करंट फिर से आपको चेक कराते हैं। तो दोस्तों काइंडली रिक्वेस्ट है आपसे, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अभी से लाइक कर दें। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमारा कितना बड़ा करंट इस टाइम है, जैसा कि आप वीडियो में आपको नज़र आ ही रहा होगा। तो दोस्तों ये जो है इंशाल्लाह आप ये बाइक में लगाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा बाइक चलाने में मज़ा आएगा। तो इंशाल्लाह 125 के भी ऊपर मैं रिव्यू लेके आऊँगा बहुत जल्द, उसके भी ऊपर मैं वीडियो मैंने बनाई है। इसके अलावा दोस्तों मैंने पंखे वाले छोटे कैपेसिटर लगा के बाइक का करंट बड़ा किया, वो 125 की मिसिंग का मसला नहीं जा रहा था, उसमें ये मैंने कैपेसिटर लगाया, हमारी बाइक बिल्कुल ओके हो गई थी। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, अब तक के लिए अल्लाह।